लटका दिया चुन्नी से जिसमें पंखा लगाते हैं उसमें लटका दिया पापा को, करंट में सारे में चोट रखी। ये मासूम अपने पिता की मौत का खौफनाक सच बयां कर रही है। 4 साल की गौरी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हत्या का खौफनाक मंजर देखा है। दरअसल इस मासूम का पिता संतोष बुलंदशहर का रहने वाला था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नोएडा के भंगेल में रहता था। बीते शनिवार संतोष की लाश उसके ही घर में चुन्नी से लटकी मिली। घर वालों को उसकी सुसाइड की सूचना दी गई, जिसके बाद घर वाले संतोष की लाश का दाह संस्कार करने के लिए अपने गांव बुलंदशहर ले गए। लेकिन दाह संस्कार करने से ठीक पहले 4 साल की मासूम ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके घर वालों के होश उड़ गए। लड़ाई हुई थी और दारू पिलाए और वहाँ बाथरूम के वहाँ लेके धक्का दे दिया, फिर उसके बाद अंदर लेके मैं सो रही थी, फिर मैं कंबल हटाया, फिर मैं बाहर भागी, फिर उन्होंने बोला गेट लगा दे, मैंने ना लगाया, खुद ही लगा दिया और फिर लटका दिया चुन्नी से जिसमें पंखा लगाते हैं उसमें लटका दिया पापा को, करंट में सारे में चोट रखी। बच्ची की मां ममता ने अपने ही भाइयों पर पति की हत्या का शक जताया क्योंकि उसके भाइयों को उसकी और संतोष की शादी नापसंद थी। वो संतोष को कई बार मारने की धमकी भी दे चुके थे। वो तो मुझे लटके मिला था। ड्यूटी साइन तभी तुम्हें शक किस पे? अपने घर वालों पे शक है? तुम्हारे भैया धमकी दे रखी थी? बहुत पहले ही धमकी दे दी थी कि गोली मार दे, मैंने कहा मैं उसे भी मारना सबसे पहले गोली। हत्या का पूरा सच जानकर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एक टीम बुलंदशहर भेजकर शव को वापस मंगवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए ये 2 दिन पहले का प्रकरण है जिसमें कि शुरू में इस तरीके के तथ्य थे कि सुसाइड है, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि छोटा बच्चा चश्मदीद उसमें साक्ष्य और वो चीज़ें पूरी बता रहा है, तो इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो परिवार है पीड़ित पक्ष जो है इस संबंध में वो FIR दर्ज करा रहा है, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है।